आज हम बात करेंगे कुछ नियम की। पावली अपवर्जन का नियम, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, क्वांटम संख्याओं की बात की थी। क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने बताया था कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उसी क्वांटम संख्याओं के संदर्भ में पाउली अपवर्जन का नियम, पाउली ने क्या बताया था, पाउली ने ये बताया कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। जैसे देखें, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। अर्थात n, l, m के मान समान हो सकते हैं, किंतु s के मान भिन्न होंगे। जैसे जैसे क्या होता है, अगर हम 1s1 की बात करते हैं, तो 1s1 की अगर बात करते हैं, तो 1s1 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें अगर हम n की बात करते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था कि जो n होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, या जो n है वो क्या होता है, परमाणु के मुख्य ऊर्जा कोष को प्रदर्शित करता है। तो n इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अगर n बराबर 1 हो जाएगा हमारा, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने उस दिन तुमको जब हम इसमें बात कर रहे थे मुख्य क्वांटम संख्या में, तो हमने एक फार्मूला तुमको बताया था n माइनस 1 में क्या होता है, अगर l के मान की बात करते हैं, तो n माइनस 1 में अगर l का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 मान करते हैं और 1 माइनस 1 करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा 0 आ जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो l का मान होता है, हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो n बराबर 1, तो l बराबर हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जो l के जो मान हैं वो n पर निर्भर करते हैं। इसी तरह से हम n की बात करते हैं, अगर हमारा n बराबर 0 होगा, तो n बराबर भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जो n के मान हैं वो l पर निर्भर करते हैं। इसी तरह से s की बात करते हैं, तो s बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर +1/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम फिर 1s2 की बात करते हैं, अब 1s2 में क्या हो रहा है, n बराबर हम बात करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। l की बात करते हैं, बराबर 0 हो जाएगा, और n बराबर हम बात करते हैं।
जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी प्राण में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, तो दो इलेक्ट्रॉनों की जैसे मान लीजिए कोई प्रमाण है हमारा, तो वहां पर क्या है उसमें 1s1 और 1s2। अब 1s1 1s2 मान लीजिए एक ही प्रमाण में है, 1s1 और 1s2। अब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा NL और M, यानी NLM, ये तीनों मान क्या है एक समान है, किंतु क्या है जो S का मान है वो एक दूसरे से क्या है भिन्न, क्योंकि इसमें क्या है आपका प्लस 1/2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है पॉली अपवर्जन ने बताया किसी प्रमाण में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, अर्थात N, L, M के मान समान होंगे किंतु S के मान क्या होंगे भिन्न होंगे। फिर आगे दूसरे नियम की बात करते हैं। अगले नियम में हम बात करते हैं हुंड के उच्चतम बहुलता का नियम। हुंड के उच्चतम बहुलता का नियम, हुंड के उच्चतम, हुंड के उच्चतम बहुलता का नियम, हुंड ने क्या बताया, हुंड ने ये कहा कि किसी प्रमाण में या किसी प्रमाण के उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो क्या होता है तब तक युग्मित नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। क्या है किसी उपकोष, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित, तब तक युग्मित नहीं किए जा सकते जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। जैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण, पी की बात करते हैं, P6 की, इसमें क्या होता है अगर हम पी उपकोष की बात करते हैं तो पी उपकोष में क्या होता है हमारी तीन कक्षक होते हैं, अधिकतम क्या होता है इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा, पहले क्या होता है हम क्लॉकवाइज करते हैं ऐसे, ये क्या होता है क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज और फिर क्या करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्या करेंगे प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लिखा हुआ है किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं किए जा सकते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। पहले क्या करेंगे प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन युग्मित करेंगे यानी भरेंगे क्लॉकवाइज और फिर उसके अंदर क्या होगा 1 2 3
फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, ये जो वितरण है ये सही वितरण है, इलेक्ट्रॉनों का भरने का सही वितरण। इसी तरह से गलत वितरण पैक होगा। अगर हमको इलेक्ट्रॉन ढूंढना है पी सिक्स पे, तो वन टू थ्री फोर, ये क्या है, ये गलत वितरण। पहले क्या है, पहले क्या करेंगे हम कि प्रत्येक अक्षर में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन निकलित करेंगे, उसके बाद में फिर क्या होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो वितरण है यहां पर क्या है, ये गलत वितरण है, ये गलत वितरण। फिर इसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट और अगले नियम की बात करते हैं। हाइजेनबर्ग के हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, इन्होंने क्या बताया हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि कोई भी हमारा अतिसूक्ष्म कण की स्थिति तथा उसका वेग दोनों का एक साथ मूल्यांकन कर पाना असंभव है। कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी, मान लीजिए आपका बहुत सूक्ष्म माइन्यूट, मान लीजिए आपका पार्टिकल्स है, और क्या होता है अगर उसकी हमको क्या करना है, गति की बात की जाए उसकी, और उसकी स्थिति अगर बात की जाए, तो उसकी ये दो चीजें जो होती है गति और स्थिर, वो दोनों का एक साथ निर्धारण कर पाना क्या होता है, असंभव होता है, क्योंकि तुरंत क्या होती है उसके स्थिर और गति में क्या होता है परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। फिर इसी क्रम में हम नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। आपाव साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या नियम दिया, क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का वितरण,
कैसे होता है एंटोनियम यहां से समझेंगे। पहले देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s इसी तरह से 2p 3p 4p 5p 6p 7p इस तरह से ऐसे हम गोला बना लेते हैं। अब क्या होता है जब किसी भी परमाणु का हमको क्या होता है कॉन्फिगरेशन करना होता है SPDF में, इसमें S P T और F क्या होता है S P D F ये क्या होते हैं हमारे चार कोष होते हैं। तो S में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो दो होती है, यानी एस कोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो हम दो रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, इससे हम कम रख सकते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं इसको, जैसे ये मान लीजिए कोई हमारा उपकोष है और ये जो उपकोष है ये हम मान लेते हैं कि ये एफ उपकोष है, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक डिब्बा है, इस तरह से हमारे पास कोई डिब्बा है और ये जो डिब्बा है इस डिब्बे का नाम है S, ये S प्रकार का एक डिब्बा है और इस डिब्बे में केवल और केवल क्या है दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस डिब्बे में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, कम तो रखे जा सकते हैं, दो से कम में एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं लेकिन दो ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इससे ज्यादा यानी तीन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रखे जा सकते हैं। तो S में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है दो होती है। इसी तरह से हम P की बात करते हैं तो P में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बात की जाती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 रखे जाते हैं। इसी तरह से D की बात करते हैं तो D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 10 होती है और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है 14 होती है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, कम रखे जाते हैं। अब होता क्या है कैसे इनका क्रम चलता है कैसे हम किसी भी परमाणु का SPDF में कॉन्फिगरेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम बात करते हैं वन की बात करते हैं, जो वन होता है परमाणु वो होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन होगा वो होगा 1s1 क्योंकि इसमें क्या होता है जो हाइड्रोजन परमाणु होता है इसका परमाणु मान 1 होता है और इसमें क्या होते हैं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका जो हम करेंगे कॉन्फिगरेशन इस तरह से तो क्या हो जाएगा 1s1। हमने यहां पे बताया कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन दो रखे जा सकते हैं लेकिन यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन एक ही है यानी परमाणु मान 1 है, इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको 1s1 लिखेंगे। अब इसी तरह से हम अगले प्रमाण की अगर बात करते हैं तो अगले प्रमाण में क्या होता है फिर दूसरा प्रमाण हमारा होता है हीलियम। हीलियम का जो प्रतीक होता है वो HE होता है,
इसका जो प्रमाण क्रमांक होता है वो 2 होता है। इसका हम जब क्या होता है कॉन्फिगरेशन करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर 1s2 और 2s1 होता है। अब 1s2 और 2s1 की हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए पहले क्या होता है हमारा 1s2 होता है, तो ये 1s हो गया क्योंकि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, f में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो यहाँ से हमने 1s2 कर दिया। अब 2s1 की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर 1s के अंदर क्या आ रहा है 2s आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 1s2 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आगे बात करेंगे।